अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जिशान अली खान। तो आज बनाएंगे जी बीफ यखनी पुलाव। तो बड़े मजे का बनता है। कैसे बनता है, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम तोड़ेंगे जी हरी मिर्चें। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हरी मिर्चें बड़ी हो गई हैं। भिंडियां जो है तकरीबन तैयार हैं, टमाटर सारे जो है ना वो तैयार हैं, प्याज जो है वो हमने निकाल लिया है सारा। तो ये तोड़ लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मजे की हरी मिर्चें। ये जी हरी मिर्चें चले। माशाल्लाह जी ये करेले बड़े होना शुरू हो गए। ये देखिए ये करेला माशाल्लाह, ये अभी मजीद भी आगे बहुत सारे करेले हैं। ये देखिए टमाटर हमारे माशाल्लाह से कितने बड़े हो चुके हैं। दो चार दिन के अंदर अंदर ये टमाटर हमारे तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को जो है वो काट लेते हैं, रफली सा काटेंगे। रफली सा काट लेंगे जी, बहुत फाइन चॉप वगैरह नहीं करने की जरूरत या स्पेशल कटिंग की जरूरत नहीं है। हरी मिर्चों को जी बीज में से कटिंग कर लेते हैं, सिर्फ एक कट लगाना है बीज में से। और ये माशाल्लाह काफी कड़वी मिर्च है, मतलब जो नॉर्मल आती है माइल्ड सी, ये वो वाली हरी मिर्च नहीं है, ये बहुत ज्यादा कड़वी है। रफली सी अदरक जो है वो चॉप कर लेते हैं, फाइन चॉप या स्पेशल कटिंग की जरूरत नहीं है। गोश्त जी पतीले में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीला चढ़ाएंगे जी आग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे, अदरक, हरी मिर्चें जो साबित हमने काट ली, लहसुन जी रफली सा चॉप कर लेंगे, लहसुन डालेंगे, थोड़ा जीरा, नमक, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, बादियान, तेजपात, बड़ी इलायची और दालचीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे जो कुछ हमने डाला है गोश्त के अंदर, हर चीज इसको मिक्स करेंगे। अब गोश्त गलने तक जी हमने इसको छोड़ देना है, और जो यखनी बचेगी हम उसको चावलों में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी ये देखें टिंडे भी हमारे माशाल्लाह कितने जबरदस्त तैयार हैं। शिमला भी हमारी देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त तैयार हो चुकी है जी। बहुत सी ये जो लाइन पूरी है शिमला मिर्चों की, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त शिमला मिर्चें इनके साथ लगी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा नरम हो चुका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुका है। अभी इसको आग से नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जी अच्छी तरह से धो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करेंगे जी पतीले में, जिसमें हमने प्याज शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गोश्त को मैंने छानना नहीं है, जो मसाले हमने पहले शामिल किए थे वो उनके साथ ही गोश्त में शामिल कर रहे हैं। गोश्त को थोड़ी देर भी हमने फ्राई करना है। दही शामिल करेंगे जी थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया, चावल शामिल करेंगे अभी।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दम का टाइम आ चुका है, आग मजीद कम करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए हमने दम पे रखा है। रायते के लिए प्याज को फाइन चॉप करेंगे। टमाटर थे रखे हैं ज़्यादा नहीं। नमक जी, सफेद जीरा, रखमान रहीम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल हमारे जी दम का टाइम पूरा हो चुका है, अब इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चावल की लुक चेक करो। बिस्मिल्लाह, ये क्या चीज है? फल हमारे बहुत जबरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, पुलाव हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाह जी, करो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला आला।